आप जाके भी हैं, कृपया कर हमारे खेल कमेटी तक आने की तैयारी करेंगे। शोभा सिंह दुर्वे जी, शोभा दुर्वे जी आप जाके भी हैं, कृपया कर हमारे खेल कमेटी तक आने की तैयारी करेंगे। चाहूंगा कि इस मैच को देखना ना आजू बाजू आकर अपना जगह सुनिश्चित कर लें। देखो मिलेगा जिस तरह से खेतगांव बनाम शिवरामपुर टोरा, तो कहीं ना कहीं जो है एक भाइयों की जोड़ी, जिस तरह से पिता पुत्र की जोड़ी हमने देखा पिछले दो मैच पहले, तो वहीं पे अभी जो है दो भाइयों की जोड़ी देखने को मिलेगा इस मैदान पे। उदय जी बिल्कुल बिल्कुल आग्रह करूंगा, शिवरामपुर टोरा के रेडर के तरफ ध्यान खींचूंगा जो लंबे कट के, इस रेडर को तो बिल्कुल देखना न भूला, और विशेषकर खेतगांव को इस रेडर से बचना हो बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए और शुरुआत छोटे कट के रेडर खेतगांव की ओर से, 9 नंबर की जर्सी पहने और बिल्कुल ब्लॉक लाइन क्लियर की है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरुआती मैच है, पहला रेडर खेतगांव की ओर से टो टच करने का प्रयास, सफलता नहीं मिलेगा और फिलहाल रेड करते हैं इस बार रनिंग हैंड टच, और देखना उसमें सीएल का निर्णय क्या होता है। जी हाँ खाता खोलता हुआ खेतगांव तिलगांव जी जी प्रश्न जी, इस तरह से उदय जी तो यहाँ पे जो है शुरुआती चारों से यहाँ पे खाता खोलता हुआ हावी होती है, यहाँ पे दिख रही है खेतगांव की टीम जिस तरह से चले सुरजी अपने दूसरे रन लेकर लुपकी ले गए जहां, लेकिन अंक गवाते हुए प्रश्न उदय जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक बार फिर छोटे रन के खिलाड़ी मिलन, 9 नंबर की जर्सी पहने, बिल्कुल स्किन खूबसूरत, बिल्कुल टच करने का प्रयास था इस बार लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। खूबसूरत रेड करते हुए खेतगांव की ओर से छोटे कट के रेडर वापस जाएंगे अपने कोर्ट पर। जी उदय जी ये वही खिलाड़ी हैं जो कि नेशनल खिलाड़ी कहा जाए रेवा प्रस्ते और मिलन प्रस्ते, ये दोनों जो जोड़ी है उदय जी तो कहीं ना कहीं है भरपूर जी आपके पास ऊपर रेड हो सकती है जो रेडों के साथ खाता खोलते जाते जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आधार किया था इस रेडर के बारे में, इसके से 44 नंबर देखना ब्लॉक लाइन क्लियर किया, कोई दिक्कत नहीं। और इस बार राइट कॉर्नर की ओर से इस बार पैर डाला था बोनस में, देखना है उसे सीरियल कर लेना बिल्कुल क्लियर। क्यों काम जी जी एकदम जिस तरह से देखा जाए पहले एंगल से तो कहीं ना कहीं जो है अनुभव परिपूर्ण है उदय जी, जिस तरह से यहाँ पे रीवा खेलते हैं। अरे हो उसकी बार रेड कलर को निशाना बनाया यहाँ पे शिवरामपुर टोला के रेडर उदय जी बिल्कुल बसंत 44 नंबर के जर्सी पहनकर ब्लॉक लाइन क्लियर किया, कोई दिक्कत नहीं। स्किल बिल्कुल जबरदस्त है, इस बार पंजा मारने का प्रयास, देखना है क्या होता है। और बिल्कुल पकड़े जाएंगे और फिर बिल्कुल तेज तर्राटी में उनकी नजरों से बचना बड़ी मुश्किल है। तिलगन जी जी उदय जी यहाँ पे देखा जाए तो जिस एक तरफ है प्रस्ते ब्रदर्स की जोड़ी तो दूसरी तरफ है ध्रुवे ब्रदर्स की जोड़ी जो कि सुरजीत ध्रुवे अपने भाई के साथ खेल रहे हैं और उधर जो है रेवा प्रस्ते अपने भाई के साथ खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाइयों की जोड़ी जो है उदय जी आमने सामने है। गाँव आगे तो कहीं बराबर कर लेती है शिवरामपुर टोला, तो दोनों टीमों के बीच कसमाकस मुकाबला चलता है। इस बार पैर डाला था बोनस में लेकिन ऑफिशियल क्रेडिट बिल्कुल सुरक्षित है, और इस बार तो टच करने का प्रयास पंजे मारने के बीच में बोनस में डाला था लेकिन बिल्कुल खाली हाथ वापस जाएंगे। तिलराम जी जी सही कहा उदय जी, लेकिन अब की बार चले शिवरामपुर टोला के से लंबे कट के रेडर, यही जो रेडर है उदय जी जो कि लंबे कट के रेडर है, लेकिन अब की बार की देखना होगा ग्रिप में लिया सामने रखती है ठीक उसी तरह से डाई लगाया लेकिन डाई काम नहीं आया उदय जी। और इस तरह से देखिए ये मिलन परस्ते छोटे कट है लेकिन उतने फुर्तीले उतने ही अनुभवी सीन 9 नंबर जर्सी उदय जी बिल्कुल बिल्कुल। जितनी तारीफ की जाए इस टैकल के बारे में, सबसे खूंखार रेडर को चलता किया है बाहर, दोनों पैर जकड़ के रखे, किसी भी इतनी लंबाई का फायदा लेकिन जिस तरीके से एंकल होल्ड किया था बिल्कुल जकड़ कर रख दिया था, तारीफ है काफी। जी वाकई जी वाकई सही कहा उदय जी, जिस तरह से उस एक्शन को देखे यदि रिव्यू के माध्यम से देखे तो कहीं ना कहीं जो है आपकी बात देख रहे
कोई भी मामला था, एडवांस निकल आया, एडवांस निकल के खामिया जो मुकदमा पड़ा यहाँ पे छतगांव के डिफेंडर को प्रस्तुत जी यहीं पे हो गए डू एंड आई रेड में यहाँ पे क्या कुछ कर पाते हैं जी हाँ यहाँ पे और ग्रिप मिलिया बोनस पे गए उज्जैन जी लेकिन ग्रिप मिलिया और ग्रिप इस तरह से स्कोर हो गए बराबरी की स्थिति पे 5-5 का स्कोर है उज्जैन जी बिल्कुल बिल्कुल कसम का मुकाबला चलता हुए वहीं अनुभव की खान है खेतगांव के पास लेकिन पीछे नहीं छोड़ रहे शिवरामपुर बिल्कुल कड़ाके की टक्कर दे रहे बिल्कुल काबिले तारीफ तिलगाम जी जी जितनी तारीफ करे उज्जैन जी उतनी ही कर दोनों टीमों के लिए जिस तरह से कांटे का मुकाबला चल रहा है कसमा कस मुकाबला चल रहा है जबरदस्त मुकाबला चल रहा है तो वाह वाह कई जिस तरह से यहाँ पे दर्शक जो जुड़े हैं जो इनके जो झुंड है तो सोचते होंगे उज्जैन जी हमारा पैसा आज का वसूल हो चुका मैच देख कर उज्जैन जी बिल्कुल बिल्कुल पैसा वसूल प्रदर्शन और गेम देखने को मिले विजन पर एक बार किक किया था हवा में लेकिन खाली हाथ बिल्कुल दमदार किक किया था ब्लॉक लाइन क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है एक प्रति बिल्कुल बोनस ऑन है लेकिन क्या करेंगे खाली हाथ वापस जाएंगे तिलगांव से जी उज्जैन जी लखन परस्ते जो कि नेशनल खिलाड़ी माने जाते थे अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश की टीम में खेल चुके हैं लखन परस्ते उन्हीं के सुपुत्र हैं मिलन परस्ते और रेवा परस्ते उज्जैन जी इस तरह से ये देखिए रेवा को अभी तक अजमाया नहीं है और इस तरह से अब की बार रेवा को अजमाया है मिलन ने जो कि मिलन के कप्तानी पे यहाँ पे खेल रहे हैं रेवा परस्ते 7 नंबर जर्सी और अब की बार पहली मरतबा है शिवरामपुर टोल छोला के खेमे में ये देखिए मिलन ने सही यहाँ पे निर्णय लिया रेवा जाएंगे तो कहीं ना कहीं अंकर बटोले आएंगे बोनस सोचा है 10 पॉइंट और आखिरकार अपने कप्तान पे खड़े उतरते हुए रेवा परस्ते उज्जैन जी बिल्कुल बिल्कुल कैप्टन ने जो भरोसा जताया था रेवा के ऊपर उसमें खड़े उतरते हुए एक फाइट लेके पहली रेड में एक फाइट और बेहद 6-5 की भाग दौड़ में चलता हुआ 6 खेलवा 5 शिवरामपुर खेला फिलहाल कांटे का मुकाबला क्या था इस बार पंजा मारा था बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है और एक बार पॉइंट ले जाएंगे शिवरामपुर तिलगांव जी तो कहा जाए यहाँ पे उज्जैन जी 3 बार 4-4 की बराबरी थी 5-5 की बराबरी थी अब जो है यहाँ पे 6-6 की बराबरी पे तो कहीं ना कहीं जो है कांटे का मुकाबला चलती हुई यहाँ पे आगे जिस तरह से यहाँ पे 4 डिफेंडर मौजूद है यहाँ पे लंबे कट के रेडर हैं 4 डिफेंडर के साथ आउट करेंगे लेकिन यहाँ पे पॉइंट के खिलाड़ी को सादा पंच किया था लेकिन काफी दूर थे पंच कहीं ना कहीं जो है इंतजार करना होगा रेडर को डिफेंडरों को कोई गलती नहीं करी होगी दोनों टीमों के खिलाड़ियों को तेजी कौन जीतेगा इस मैच को तिलगांव जी ये कहना बड़ी मुश्किल हो रही 6-6 की बराबरी बिल्कुल 1 पॉइंट से जब चली है मैच अब तक अधिकांश जो मैच हुए हैं अब तक तो क्वार्टर सेंचुरी हो जाता था 25 अंक हो जाता था जी बिल्कुल सही कहा हुआ कई सही कहा आपने सेंचुरी हो जाती यदि सभी टीमों को स्कोर जोड़ लिया जाए तो सेंचुरी हो जाती हाफ सेंचुरी से लेकर 1 सेंचुरी हो जाती फुल सेंचुरी हो जाती लेकिन यहाँ पे जिस तरह से मैच चल रही है तो कहीं ना कहीं एक एक के साथ बराबरी की है वहीं पे और छत्तीस अनंत कुमार पट्टा जो कि क्रिकेट के लिए ऑलराउंडर माने जाते थे फेमस खिलाड़ी माने जाते थे गोंदर क्षेत्र से उज्जैन जी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कबड्डी में भी अपना लक अजमाते हुए नजर आ रहे हैं उज्जैन जी बिल्कुल जबरदस्त नंद किशोर का स्किल रहा है बिल्कुल खूबसूरत इस बार गए हैं लंबे कट के रेडर खेतगांव की ओर से देखना है क्या कुछ अच्छा छह के बराबर एडवांस टैकल से तो बचना होगा राजेंद्र को लेकिन इतनी निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना होगा तिलगांव जी जी सही कहा उज्जैन जी एडवांस टैकल नहीं करनी होगी इंतजार करना होगा रेडर को जिस तरह से बोनस पॉइंट में आएंगे तब जाके आपको अटैक करनी होगी वरना आप एडवांस टैकल करेंगे दोनों छोर से तो कहीं ना कहीं अपने गलती का खामियाजा है क्या मतलब पॉइंट आ रहा है रेड में क्या जरूरत
पीछे जा कर लंबू पीछे ना कर एक ही छड़ के खेलते लिए करीब था बराबर तो हुआ भोसड़ी का फिर बाद वाले से देख के जीव जान ला दे हार मुंह सर आ जा इधर है के और स्पीड टाइम नहीं है उसका ले थोड़ा और स्पीड टाइम नहीं है और टंगरा 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 ला हो भाई कर लास्ट ट्रेन वो ये लगता है स्वालंबू लम सक जा रही एक अंक से जीत एक अंक से जीत।